हेलो दोस्तों, तो आज मैं जा रहा हूँ तिरुपति बालाजी। तो हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन निज़ामुद्दीन। तो यहाँ से पकड़ेंगे हमारी ट्रेन है तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर। तो फिलहाल हम चलते हैं सारे ट्रेन के लिए। तो यहाँ पे हमारी हो रही है सारी चेकिंग वैकिंग, उसके बाद अंदर चलते हैं। अंदर चल के देखते हैं हमारा ट्रेन नंबर कौन सा है, बोगी नंबर कौन सा है, प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है, वो सारा देखते हैं। अभी फ़िलहाल चेकिंग हो रही है, चेकिंग करने के बाद हम चले अंदर। ये नितिन भाई साहब, दीपक गुरु जी, संगीता, नितिन, मम्मी पापा, घनक, हम 7 मेंबर हैं टोटल। सातों के सातों स्टेशन में मस्ती करते हुए जा रहे हैं फुल एंजॉय के साथ। फिर हम देखते हैं हमारी कितने बजे की ट्रेन है। फिलहाल वैसे तो हमारी ट्रेन 5:20 की है। अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का, भाई पूरी रात जगे हुए थे। ट्रेन आ चुकी है हमारी, ये ट्रेन ये आ गई हमारी ट्रेन फाइनली। अब इसमें हम चढ़ते हैं, फिर तिरुपति पहुंच के आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल ट्रेन के अंदर जो हम मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे, कैसे बैठे हैं, कैसे नहीं बैठे, कौन सी सीट है हमारी, सब मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। बने रहिए, व्लॉग के माध्यम से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, इसी तरह के व्लॉग मैं आगे लाता रहूँगा, कंटिन्यू 10 दिन के व्लॉग बनाऊँगा। 10 दिन की ट्रिप हमारी, ये हमारा डब्बा है, इस बोगी में हम जाएंगे। तो देखो भाई, आ चुकी है हमारा, तो चलते हैं भाई आंध्र प्रदेश वेंकटेश्वर। आपको दिखाते हैं पहुँच के वहाँ का पूरा व्यू, देखते हैं भाई। थोड़ा 1.5 घंटा लेट आई है उसका, 5:25 का टाइमिंग था, 6:25 हो रहे हैं, 6:25 पे आई है। तो चलते हैं भाई अंदर, दिखाते हैं मेरी कौन सी सीट है। हमारे 6 बंदों का पूरा सेटिंग एरिया है, तो देख लो आप इस तरीके से हमारे को पूरा कैबिन मिला हुआ है। ये वाला ऊपर है, बहुत खुश हो रहा है पापा, मम्मी, संगीता, भाई, मैं और मैं दिखाता हूँ पीछे नितिन भाई जी हमारे कैमरामैन। नितिन सर, ये तो कम है, ठंडा तो है। तो ये देखो भाई, मैं तो अपनी जैकेट वगैरह पहन ली हूँ, मेरे को एसी में बहुत ठंड लगती है, कोल्ड हो जाता है। और पापा टी शर्ट बैठे, संगीता अपनी साउंड वाउंड सेट करने में लगी पड़ी है, मेरे को तो भाई ठंड लगती है एसी में। मम्मी फुल बैठी हुई है, मस्ती मारती है, नितिन भाई भी। और फिलहाल देखते हैं भाई, और देखो गुरु जी को देखो, टी शर्ट में बैठे थे, अब बैठ गए आके चद्दर में, इनको भी बहुत ठंड लग रही है भाई, ठंड लगती है एसी में, कोल्ड हो जाता है ना इसलिए। दो भाई मेरे बेटे की बनाओ वीडियो।
ये आज कहने का आपका बर्थडे है। चैन खेल जी वो उतार देंगे पापा क्यों कह रहे ट्रेन वो की थी है चैन खींची है तो फायदे लिए हम उतर चुके हैं तिरुपति में स्टेशन पे 10 बजे हमारे को ट्रेन ने उतारा है अभी फिलहाल और चलते हैं भाई। अब हम रूम वगैरह लेते हैं तो आपको दिखाते हैं रूम वगैरह ठीक है चलते हैं भाई। नाइट में उतरे हम 2 दिन ट्रेन में रहे हैं रात हो गई भाई बहुत ज़्यादा अब हम जा रहे हैं होटल तो दोस्तों हम आ गए होटल में खाना खाने क्योंकि मैंने अभी आपको रूम इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि भाई हम थके थकाए हैं इसलिए हम डायरेक्ट सीधा सामान रखा डिनर करने आ गए हैं। डिनर के लिए हमारे को मिली प्लेट और केले के पत्ते के अंदर भोजन परोसा जाएगा उसमें हम खाएंगे स्वादिष्ट भोजन। तो दोस्तों आ चुकी है हमारी 3 तरह की दाल और बहुत ही मज़ेदार बाल्टी में फुल अब हम खाएंगे सारी फैमिली मिलके। रात में ट्रेन में भाई कोई भी अच्छा खाने नहीं मिल रहा था यहाँ थोड़ा हमने स्पाइसी सी दाल मंगाई है और उससे हम टेस्ट करेंगे सारा खाना क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ना ऑलमोस्ट मसाला डोसा सांभर डोसा इडली बड़ा सांभर बड़ा दाल बड़ा यही सब मिल रहा था तो हमने अभी फर्स्ट डे में नान और रोटी मंगाई है उसके बाद हम देखेंगे मसाला डोसा वगैरह जो भी साउथ इंडियन फूड है वो बाद में हम टेस्ट करेंगे अभी फ़िलहाल हम अपना ही टेस्ट कर रहे हैं जो हम खाते रहे उन्हें। तो दोस्तों खाना वाना खा के हम आ गए हैं लाइन में जो टोकन के लिए लाइन लगती है 300 रुपये वाला टोकन मिलता है वेंकटेश्वर के लिए वो हमें नहीं मिल पाया था जब हमने टिकट बुक करी थी तो फिलहाल हमें को यहाँ पे लाइन पे लगना पड़ा 1 बजे से लाइन लगती है और टोकन खुलता है 2 बजे काउंटर खुलता है तो आपका दो ढाई घंटे के अंदर आपका टोकन मिल जाता है। लोगों का कहना है कि 3-3 दिन लगते हैं ऐसा कुछ नहीं है सब झूठी अफवाह है ऐसे लाइन लगती है जिग जैग में आपको जाल के अंदर में रहना है कोई इधर से उधर टाप भी नहीं सकता है 2-2.5 घंटे में अपने आपका टोकन नंबर मिल जाएगा आपको दर्शन का टाइमिंग मिल जाएगा कि आपका किस बैच में दर्शन होना है वेंकटेश्वर तिरुपति महाराज का। तो हमने ये लाइन में सफ़र किया बहुत लंबा लाइन था ना सफ़र करने के बाद 2-2.5 घंटे में नंबर आ चुका है हमारा 6 बेड का रूम रूम काफ़ी बड़ा है हमारा देख रहे हो। अब हम नहा धो के रेडी होके मंदिर के लिए निकल रहे हैं तो दोस्तों भाई बहुत गर्मी है बाहर एसी का रूम है मन नहीं कर रहा बाहर जाने का बाहर बहुत गर्मी है और मेरे को भी बहुत टैनिंग हो गई है और दीपू पाजी को भी हो गई है दिखा दे आपको अभी नितिन दिखा दे ए नितिन पाजी है नितिन पाजी हाय हेलो बोलो यार भाई सारे साउथ जैसे हो गए हम तो दिल्ली से आए थे और ऐसा लग रहा है साउथ इंडियन हम भी और सब ऐसे हो गए काले पीले तो चलिए आओ फटाफट एक एक करके सबको इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये संगीता का देखो आज मॉडर्न लुक है यार संगीता का सॉरी पंजाबी लुक परांदा दिखाओ परांदा और परांदा परांदा लगा के आई एम आया अभी ओनली ओ ये दीपू कुड़ा परा हमारे परा भाई हमारे बेबे हमारे अबू तो चलते हैं गाइस बड़बड़ो कनक दिखाओ कनक नहीं दिखाया ये कनक कनक बिगी बिगी अरे आज कनक का बर्थडे बनेगा कनक का 6 तारीख का बर्थडे था तो हम ट्रेन में केक नहीं कट कर पाए तो अब बनेगा थोड़ा अगला बना आता था दीपू के साथ रखे दीपू के साथ रखे तो चलते हैं भाई मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको फिर चलिए कैसा
बताता हूँ यहाँ पे जो मसाला डोसा आया है मेरे पास, उस मसाले डोसे के अंदर आलू देखो कितने सारे डाले हुए हैं। देखो भाई, देख रहे हो आप, ये देखो आलू देखो। तो भाई आलू तो है ही नहीं, नाम के लिए आलू है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ सांभर कैसा है। मेरे पास को सांभर दिया, कह रहे डाल दे दी। तो दोस्तों आपको भी दिखाता हूँ मैं सांभर कैसा है। ये आई नारियल की चटनी, अब आएगा सांभर, डालो सांभर। ये आई चटनी, चटनी, देखो यहाँ पे इस तरीके का सांभर है, दाल दाल जैसा, इस तरीके से सांभर है। यहाँ पे पत्ता डूब गया मेरा सांभर में, ये देखो। तो दोस्तों हम करने जा रहे हैं टैक्सी, जो टैक्सी हम करने जा रहे हैं वो तिरुपति से तिरुमाला के लिए जा रहे हैं। तिरुपति एक स्टेशन का नाम है और तिरुमाला जो हम जा रहे हैं वहाँ वेंकटेश्वर का मंदिर है, तो वहाँ के लिए हम टैक्सी करने जा रहे हैं। फिलहाल मैं और मेरा भाई और नितिन हम तीनों जाने जा रहे हैं टैक्सी करने। तो देखते हैं वहाँ पर टैक्सी कितने की होगी और कितने की होगी। यहाँ पर देखो रेड बस है, बहुत अच्छी है, ये भी बहुत देखने को कम मिल रही है यहाँ पर। और देखो हम टैक्सी की बातें कर रहे हैं। ₹1200 खाली छोड़ने का, आप सही रेट लगाएगा 2000, इससे कम कम नहीं। जाने जाने का 2000 बोल, आना जाना जाना बहुत टाइम है, तो साहब 5 बजे के ना कितना, वो 25 किलोमीटर है मालूम है, वो घर सेक्शन है उधर, रिटर्न घर सेक्शन है। चलो एक बस कितना, 4 आदमी है, 6 आदमी, 6 आदमी वो बराबर है ना, वो ये गाड़ी का घाट रोड में एसी चलता नहीं आता, थोड़ा गणपति टेम्पल है ना उधर अप करेगा, वो गाड़ी 1200। तो दोस्तों हमने कर लिया टैक्सी तिरुमाला के लिए, अब चल रहे हैं मंदिर के दर्शन करेंगे। 5 बजे का हमारा टोकन नंबर है, देखते हैं अब कितने बजे हमारा नंबर आता है। तो चल रहे हैं भाई, आपको दिखाते हैं पूरी जर्नी, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई, अभी हालत स्टार्ट हो चुकी है। ये तिरुपति से लेकर तिरुमाला तक का जो जर्नी है वो बाय रोड है, तो बाय रोड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ सारा पूरा हरा भरा है, साउथ है आंध्र प्रदेश, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही व्यू, बहुत ही अल्टीमेट है, चारों तरफ नारियल के पेड़ है, ठीक है, और आपको हरा भरा दिखेगा पूरा, और पूरा पहाड़ है, हिल स्टेशन है सारा, तो पहाड़ों के बीच में मंदिर है। और यहाँ पर कहते हैं 2 बार चेकिंग होती है, तो ये हमारा गेट है, इस गेट को पार करने के बाद इसके बाद एक चेकिंग होएगी, सबको उतार दिया जाता है, उतारने के बाद पूरे की तलाशी की जाती है बैग्स की, ठीक है, गाड़ी की, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चेकिंग होती है, ठीक है, जो मैं दिखा पाऊंगा वो पूरा कोशिश करूंगा आप तक वीडियो पहुँचाऊँ और दिखाऊँ आपको, जहाँ मैं नहीं दिखा पाऊँगा तो वहाँ समझ जाना कि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ यहाँ का कहना है मंदिर का, कि मंदिर में सारे हीरे जवाहरात सोने से भरा हुआ मंदिर है, सबसे ज़्यादा चढ़ाव चढ़ता है वेंकटेश्वर महाराज को, तो जो भी यहाँ पे मन्नत मांगता है वो पूरी होती है, और जो यहाँ अपने बाल देता है वो उसको कहते हैं भगवान का, एक ऐसा सुनने में आया है मेरे को, जो कोई यहाँ पे बाल देता है तो भगवान का कोई कर्जा कम होता है, तो उससे भगवान बहुत खुश होते हैं, और अपना किसी को धन की कमी होती है धन भी अच्छा आता है, ऐसा कहना है।
तो बाकी मैं भी बाल दूंगा। देखो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं भी बाल दूंगा जी दर्शन करने के लिए। तो पहले एक रास्ते में टोल पड़ता है, टोल पे आपकी पूरी गाड़ी चेकिंग होगी, आपका सारा सारा लगेज तुड़वा के पूरी चेकिंग होगी। दिखाता हूँ किस तरह से चेकिंग होगी आपको। इस तरीके से मम्मी और संगीता तो जा चुके हैं कि हम उतर चुके हैं यहाँ पे सारा लगेज के साथ और हमारी गाड़ी ये रही, ये पूरा टॉल है देख लो आप। इस तरीके से गाड़ी हमारी बहुत पीछे है, अभी लाइन लगेगी यहाँ पे हमारा लगेज उतरने के बाद। यहाँ पे अंदर चेकिंग होगी, चेकिंग होने के बाद टोल पार करने के बाद फिर सीधा हिल्स की चढ़ाई चढ़ेंगे, पूरा हिल्स चढ़ेंगे पूरा मज़े से, और वो आपको पूरी दिखाऊंगा। तो भाई टोल पे हो गई सारी चेकिंग बैगों की, अब चलते हैं भाई, देखते हैं अब क्या प्रोसेस आगे। तो देखते हैं भाई, बहुत गर्मी है यार, हालत ख़राब हो गई भाई। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरा हिल स्टेशन है, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है, देख लो चारों तरफ पहाड़ है और बीच में रोड है, बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है भाई, पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ मैं आपको। चल रहे हैं भाई मुंडन कराएंगे हम अपने, आज हमारे बालों का त्याग हो रहा है, हम दे रहे हैं विष्णु भगवान जी को बाल अपने। तो दोस्तों देख लेंगे बाइक पे लगा रहे हैं गजेरा, तो आज देखते हैं यहाँ पे गजरा लग रहा है, मतलब दीपक कभी शूट कर देना। Thank you.
मेरा गन्ना हीरो है। एक बोतल ना संगीता, इधर तो कुछ बांधो, दोनों का पैसा दे। तो उतारने पड़ेंगे वीडियो। तिरुपति में मैं आया हूँ, तिरुमाला में मंदिर में, तो मैं अब दे रहा हूँ यहाँ पे अपने बाल जो मैं नवी विष्णु भगवान को देना चाहता हूँ, मन्नत मांग के आया था मैं। आ जाओ मन्नत मांग के आया था कि मैं बाल दूंगा यहाँ पे, तो फिलहाल मैं अभी दे रहा हूँ बाल अपने आज। तो थोड़ा सा वो भी हो रहा मन के अंदर कि यार मेरे बाल जा रहे हैं, पर मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ ये बाल अपने, ताकि कहते हैं कि इस मंदिर में मन्नत मांग वरदान है यहाँ पे कि जो अपने बाल देता है उसको भगवान बहुत पैसा वाला बनाता है और बहुत आशीर्वाद मिलता है भगवान से। तो मैं आज अपने बाल देने आया हूँ, तो आशीर्वाद मिलेगा मुझे भगवान से, मैं उम्मीद करके आया हूँ बहुत सारी, मैं और मेरा बेटा देंगे और जिसका मन होगा वो भी देगा फैमिली में से। पर मैं तो पूरा ठान के आया था दिल्ली से कि मैं बाल दूँगा अपने, तो आज मैं बाल देने जा रहा हूँ। तो चलिए आए देखते हैं कैसे मेरे बाल दिए जा रहे हैं, मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाता हूँ, पूरे एंड तक देखना। दोस्तों मेरे को यहाँ पे जो बाल देने थे मैंने आपको बताया था, तो ये मेरे को मिला है यहाँ पे टोकन मेरे बाल काटने का, और ये मेरे को ब्लेड मिला है यहाँ पे, तो अब मैं जा रहा हूँ बाल कटवाता हूँ, देखते हैं। चलिए आइए अपना देखो इस तरीके से टोकर मिल गया, ब्लेड मिल गया, मिलो तो। दोस्तों इस तरह से मेरा मुंडन हो रहा है, देख लो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं विष्णु भगवान को बाल दूंगा, तो इस तरह से मैं अब बाल दे रहा हूँ, तो ये हो रहा है मेरा मुंडन। तो देखो यार बड़ी कठिनाइयों से मैं अपने बाल दे रहा हूँ भाई, फिर भी महाराज को मैं दूंगा, मैं बोला है तो जो मैं वचन पूरा करूँगा भगवान को बाल दूंगा, तो मैं आज दे रहा हूँ अपने बाल। भैया ओके ओके ठीक है बंद करो। तो दोस्तों फाइनली हो चुके हैं भाई, बाल दे दिए मैंने, अब पता नहीं भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने अभी अपने आप को भी नहीं देखा है। तो ये मेरे बेटे ने भी दिए हैं, मैंने भी दिए हैं, और आगे दिखाते हैं आपको, मंदिर के दर्शन भी कराते हैं। मंदिर में मोबाइल लाना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ जहाँ तक पहुँच सकेंगे वहाँ तक पहुँचाऊँगा। फाइनली मैं हो चुका हूँ गंजा, देख रहे हो आप, बाल दे दिए मैंने तिरुमाला में तिरुपति महाराज को, बालाजी महाराज को। चलते हैं आप भाई होटल की तरफ या कुंड की तरफ, नहाते हैं स्नान करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मैं बालों में हो रहा हूँ पूरा। देखो भाई गंजा कैसे लग रहा हूँ भाई, गंजा बी प्राक की कॉपी। सरोवर नदी है, कौन सी नदी है उसमें लेके चलो, चलो कुंड में नहाते देखते हैं कुंड का व्यू कैसा है। तो दोस्तों बाल कटवाने के बाद मैं एक ऐसे कुंड में आया हूँ जो कि यहाँ पे यहाँ की मान्यता है, यहाँ का कहना है कि यहाँ पे लक्ष्मी माँ ने स्नान किया था, तो वो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, वो मैं आपको कुंड दिखा रहा हूँ, उस कुंड के अंदर हम नहाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए गाइस फटाफट, तो फिलहाल हम आ चुके हैं अपने रूम में, देख लो मैं हो गया टकला, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे को कोई नाम मत धरना, कोई टकला मरिंडा मत बोलना। तो फिलहाल हम जा रहे हैं हम मंदिर के दर्शन करने, 5 बजे की हमारी टाइमिंग है, तो फिलहाल हम होटल को अभी चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं दर्शन के लिए, आपको मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मोबाइल में यहीं रख के जा रहा हूँ होटल में ही, वहाँ पर मंदिर में लॉकर में रख लेते कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर, फिर मैं लॉकर के अलग लाइन में लगूं, इसलिए मैं मोबाइल अपना
ये रख के जा रहा हूँ, आके आपको और कुछ दिखाऊंगा व्यू वगैरह। बाकी जहाँ तक मेरे से अगर कुछ बना वीडियो लाइक दूसरे सेल फोन से तो मैं आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज तो आप मंदिर का व्यू गूगल पे देख लीजिएगा। बाकी पूरा व्यू मैं आपको यहाँ का आंध्र प्रदेश का पूरा अपने व्लॉग में दिखाऊंगा। तो चलते हैं गाइस, दर्शन करने जा रहा हूँ। बाय दोस्तों, हम निकल चुके हैं हम मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए। तो अब मैं दिखाता हूँ हमारा क्या क्या लुक है। ये देखो इस तरीके से सबका लुक है। इधर ये पापा का लुक देखो, इधर से ये पापा का लुक है, ये हमारे गुरु जी का लुक है। ये देखो ये पूरा लुक इनका। ये जनक भाई जी है, जनक फेस दिखाओ, जनक भाई जी है। ये नितिन पाजी, इनका लुक ये है। और मम्मी पाजी पैर पर चढ़ गया, ये लुक है। मम्मी को कह रहा था मैं गंजी हो जाऊंगी। संगीता का लुक ये है। तो चलते हैं भाई, दिखाता हूँ मैं आपको मंदिर जहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ वहाँ तक दिखाऊंगा। घर में यहीं रहना, और गन्ना की चप्पल आराम से गोदी ले लो उसको। चलो चलो पैदल चलो। हमारी धोती उड़ रही है, आओ ना। तो दोस्तों हम चारों का पूरा डिफरेंट लुक है, धोती और शर्ट में और टी शर्ट में देख लो आप, इस तरह से पूरा साउथ लुक है। नमो नारायण टेढ़ा क्यों लगा दिया, टेढ़ा क्यों लगा दिया, साल साल गोविंद नमो नारायण सेंटर वाला टेढ़ा। अच्छा चेक कर लेना, गली वाला नहीं डाला, सबका टेढ़ा है, सबका टेढ़ा है। तो दोस्तों मैंने ये मंदिर के मेन गेट तक दिखाया और मैंने फ़ोटो डाल दी है विष्णु भगवान की। तो आपको यहीं से ही दर्शन करने पड़ेंगे क्योंकि मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैंने आपको बताया था। तो आप यहीं से दर्शन कर लीजिए।